हाँ भाई अजान, क्या मसले है? अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए कोई रहने की जगह अरेंज करो। नहीं यार, क्यों परेशान हो, क्या मसले है? यार मैं बहुत परेशान हूँ, एक स्कूल का मसला, उधर से अम्मी मुझे फोन पे फोन किए जा रही है। मैंने उनसे 100 दफा कहा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। ठीक है यार अदनान, आप थोड़ा से कूल हो जाओ। अगर आपकी यही जिद है और आपकी यही अना है तो ठीक है, मैं आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। मैं उनके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता, मैं नहीं रहना चाहता उनके साथ। ठीक है यार अदनान, आपकी यही जिद और अना है तो चलिए कुछ कर दो। पहले भी कहा कि मैं बहुत तंग था, कभी कहती ये ना करो वो। हेलो अम्मी, मैंने कितनी दफा कहा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी फिक्र मत करें। 20 दफा मैंने कहा जब मैं इधर हूँ आप मुझे फोन ना किया के। कभी कहते ये नहीं है, कभी कहते वो नहीं है। नहीं अम्मी मैंने नहीं खाना, आप खाना खुद खा ले, मैंने नहीं खाना। मैंने कितनी दफा कहा चुका अपने दोस्तों के साथ, अब बाबा कॉल करके तंग करते मुझे। नहीं अम्मी मैंने नहीं। या क्या बात, शुएब यार आप इधर मेरा वेट करें, मैं अदनान को नजर छोड़ के आऊंगा। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ, फिर आपसे बात करूँ। ठीक हो गया? ओके। यार अदनान आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं आपको ये हल कर दूंगा। यार आपको नहीं पता यार उनके दिल में क्या है आपके लिए, आप पता नहीं क्या सोचते हो। नहीं यार मैं तंग आ चुका हूँ, मेरे लिए कोई हॉस्टल का अरेंज करवा दें आप मेरे पास। ठीक है, आपकी अगर यही जिद है ना जी, तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जी भैया आपको बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ठीक हो क्या हुआ, ये कहाँ पे आप मुझे ले आए? जानते हो आप ये कौन है? कौन है ये? ये मेरे वालदैन हैं। जब मुझे कोई चोट लगती थी तो मेरी माँ दौड़ के आती थी, तो बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बेटा आपने आज खाना खाया कि नहीं? आप मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप मुझे कोई पूछने वाले नहीं, सिर्फ मेरे वालदैन थे। किसी ने सच कहा है, अगर वालिदैन सिर पे हो तो हर कोई आपका अपना है, लेकिन जब आपके वालिदैन ना हो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सच कहते हैं तो जिसके वालिदैन जिंदा होते हैं उन्हीं को ही पूछा जाता है, उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। और बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा हैं। मैंने कितनी दफा कहा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी फिक्र मत करें। 20 दफा मैंने कहा जब मैं इधर हूँ आप मुझे फोन ना किया के। कभी कहते ये नहीं है, कभी कहते वो नहीं है। मैं आपको ना हॉस्टल छोड़ के आता हूँ, मेरी आंखें खोल दी, मैंने हॉस्टल नहीं जाना। चलो शुक्र है कि आपको बहुत एहसास हो गया, सब कुछ है सच कहते हैं तो जिसके वालदैन जिंदा होते हैं उन्हीं को ही पूछा जाता है, उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। और बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनके वालदैन जिंदा हैं।